कॉफी? नहीं चाहिए मुझे. मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है. सर मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कोई एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर? अगर हाँ तो ये मेहरबानी मुझ पर ही क्यों? बहुत सारी नीडी लड़कियां किसी को भी उठाकर ले आई है ना. शट अप. या टेक टेक टेक. हम काबिलियत के दम पर नहीं, इंस्टिंक्ट के दम पर करते. अगर मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझसे कहा कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, देन आई विल पिक इट अप और उसे सफलता की बुलंदी तक पहुंचाना. And I promise you, my instinct will turn all these into great success. You may leave now. Think of some good ideas for Kapil Chopra's campaign. You may leave. बात कर रहा है सुधा तेरे ऑफिस में? हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है. पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ. अबे मुझे हो रहा है क्योंकि वही है तेरी किस्मत में, वही है. अबे नेचर का फेंका हुआ ये चौथा इक्का है. अब की बार तो चूका ना, इसके खिलाफ गया ना, तो किस्मत तुझे बहुत मारेगी. यार मनोज पता है उसके अचानक आ जाने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एसी शुरू हो गया गर्मी में, है ना. मैं तो कहता हूँ किस्मत की हेडलाइंस में नाम छाप डाल उसका. हाँ और बेटे सब कुछ टाइम पे होता है, समझे. जैसे टाइम पे पढ़ो तो अखबार अखबार है, 24 घंटे बाद खत्म, रद्दी. अच्छा छोड़, अभी क्या हो रहा है? हम लंच वो आगे नहीं चलता. बाय. हाय. हाय. अगर काम्या मनोज यहाँ होते ना तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज की कैंटीन में बैठे. पास क्या हो गए, ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी बदल गई. मैंने तो कुछ नहीं बदला. मेरा मतलब है कि मैं हर रोज यही खाना खाता हूँ, वही खाना, बिल्कुल बोर हो गया हूँ. क्यों घर से टिफिन नहीं लाते तो? मेरे लिए टिफिन कौन बनाएगा? देखो ना मैं भी कुछ नहीं लेके आई, मुझे मालूम ही नहीं था कि आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. नो प्रॉब्लम, कम से कम इतना तो कंफर्म है कि कल से मुझे घर का खाना खाने को मिलेगा. हाँ श्योर. चलो अच्छा हुआ तुम भी यही काम करते हो, अब काम करने में मजा आएगा. हाँ आई नो, वरना वही हिसाब पिटा चक्कर, नए दोस्त, नया माहौल, फिर से वो सब चक्कर वगैरह वगैरह. सुधा, तुम्हारे पापा को तुम्हारे यहाँ काम करने से कोई एतराज तो नहीं? नहीं शेखर, बिल्कुल नहीं. यू नो बाबूजी इतना चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए. आई नो. बाबूजी तुम्हारे पास आए थे ना, आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया होगा ना. सब एक आदत से हो गई. डोंट वरी, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा. मैंने बाबूजी को साफ साफ बता दिया कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं. आई मीन अच्छे दोस्त हैं. पता नहीं प्रकाश भैया बाबूजी को क्या हो गया, सब मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे पास चले आए. किसी ने तुम्हें तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है. कुछ खाना खाए. सही है, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे दिल में क्या है. चालू मैं जा रहा हूं,
परेशान मत हो। प्रकाश तुम संभाल कर जाना। यार तुम भी खामखा। मैं कोई अब्बास भाई के खिलाफ साजिश कर रहा हूँ क्या? ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। जब तक हम इनके साथ होते हैं तभी तक ये हमारे होते हैं। एक बार इनकी बात नहीं मानो तो शालू। प्रकाश मैंने कई सारे केसेस अपनी आंखों से देखे हैं। शालू तुम भी क्या? क्या किया यार मैंने? कुछ गलत किया मैंने? और उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि मैं गोपाल पांडे से मिलने क्यों जा रहा हूँ? ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल पे नजर आ रहा है कि तुम कितने परेशान हो। प्रकाश अच्छा ठीक है शालू, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा बस। और अपना ख्याल रखना। ये लीजिए सर। सर खबर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मेरा जजमेंट सही है तो ये लड़का इस माहौल में बुरी तरह तड़प रहा है और उसकी यही तड़प हमें गोपाल पांडे तक जरूर पहुंचाएगी। चलो अंकल, आई थिंक यू आर राइट। काम्या की नाराजगी बिल्कुल जायज है। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूं। बेटा लड़कियों के बाप उनके भाई हमेशा यही सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कठोर है वगैरह वगैरह। योर मूव अंकल। आई नो, सुधा भी यही कह रही थी। अच्छा? हाँ कह रही थी कि बचपन में तो हम लोग उन लोगों को इतनी आजादी देते हैं और जवान होते ही उन पर रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। आई थिंक आई एम अंडर एस्टिमेटिंग काम्या। वो खुद की देखभाल कर सकती है। And by the way, your night is in trouble. ठीक कह रहे हो करण। अगर कामया इतना भी नहीं कर पाती तो ये एजुकेशन, ये आजादी सबका क्या फायदा? हाँ लेकिन डर तो लगता ही है ना। अब कामया सुधा जैसी मैच्योर तो है नहीं। You know, sometimes I wonder कि सुधा इतनी मैच्योर कैसे है। You know, जब वो बोलती है तो लगता है कि my God, उसकी थिंकिंग कितनी क्लियर है। वो इन चारों से सबसे अलग है। एंड द फैक्ट इज कि उसने लाइफ में इतना झेला है, शी गॉन थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स, इतनी कठिनाइयां सहन करी हैं उसने। ये शी इज वेरी अनअफेक्टेड। उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। अंकल वो जिस इंटरव्यू के लिए जा रही है ना, शी विल बी वेरी इंप्रेसिव बिकॉज़ शी इज वेरी इंप्रेसिव एंड आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली सिंपल येट अट्रैक्टिव। करण कहीं तुम्हारा सुधा के साथ प्यार तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं? नथिंग लाइक दैट। मैं तो इसलिए कह रहा था बिकॉज मैं सुधा को और काम्या को कंपेयर कर रहा था। यू नो, जैसे सुधा बहुत सिंपल है और काम्या बहुत तेज और तर्रार, यू नो लाइक दैट। इनफैक्ट अंकल इसीलिए मैं काम्या को समझा रहा था कि यू नो काम्या को ऑफिस में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत संभल के रहना चाहिए, और वो ऐसे ही मुझसे नाराज होने लगे। लेकिन अगर काम्या का क्या है, वो तो यू नो आधे घंटे में ठंडी हो जाएगी। चेक। यू नो व्हाट ऋतु, आजकल का ट्रेंड बदल रहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। पता है, लोग अपने हीरो और रोल मॉडल में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिल्म उठा ले, उसका हीरो गरीब फुटपाथ पे सोने वाला होता है, बट पीपल लव हिम। वो भी छोड़, पॉलिटिशियंस ले ले। पहले के पॉलिटिशियंस आम आदमी से ऊंचे और ग्रेट होते थे, पर आजकल के पॉलिटिशियंस नॉर्मल पान चबाने वाले, टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, बट द पीपल स्टिल लव देम। व्हाई? आइडेंटिफिकेशन। पता है, मैं चाहती हूँ कि हमारा कपिल चोपड़ा माइकल जैक्सन की तरह हवाई जहाज से उतरकर ताल कटोरा स्टेडियम में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉन्सर्ट ना करे। वो लोगों के बीच में से आए, लोगों के साथ गाए और हिट हो जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इट्स ग्रेट काम्या। मतलब
हम सब लोगों को उसके गानों की एक एक कैसेट फ्री में मिल जाएगी, राइट? तुम्हारा दिमाग है या क्या? मैं करोड़ों की डील की बात कर रही हूं. ब्रेन डेड मैन, ब्रेन डेड. सुधा, सुधा जरूर समझेगी. हेलो. हेलो. कौन? या कुड आई स्पीक मिस सुधा जोशी प्लीज? हाँ एक मिनट, फोन भी आने लगे. अरे सुधा जी, सुधा जी. जी. आपका फोन है शायद. ओह थैंक यू. हेलो. हेलो सुधा. हाय काम्या है. काम्या हाय. अच्छा पहले बता तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? अरे इंटरव्यू क्या, मैंने तो आज से जॉब ज्वाइन कर ली है. वाओ That's great, yeah. अच्छा सुन सुधा, मैंने तुझे इस वजह से फोन किया है कि अच्छा देख, हमारी जो पीआर एजेंसी है ना, वो कपिल चोपड़ा नाम के एक सिंगर को लॉन्च कर रही है. ओके. नाउ इट्स माय प्लान, टेल मी हाउ इट इज. मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे स्ट्रीट सिंगर बनाकर गली गली, गांव गांव, कोने कोने पे उसके प्रोग्राम्स रखे जाएं. हाउ डज इट साउंड? एक मिनट. व्हाट यू सेइंग इज के तुम्हारी पीआर कंपनी एक सिंगर को लॉन्च कर रही है और तुम उसके स्ट्रीट शोज करना चाहती हो? हाँ. आइडिया तो अच्छा है. है ना? हाँ बिल्कुल. यू नो इनफैक्ट लोगों को ये स्ट्रीट सिंगर वाला इमेज पसंद आएगा बिकॉज द थिंग इज यू नो पीपल आर बोर्ड. ये जो कान में बाली डालकर हिंदी गाने अंग्रेजी में गाने वाले जो लड़की नुमा लड़के देखते हैं ना, उन सबसे काफ़ी बोरियत हो गई है अभी. है ना? हाँ पर काम्या गाने अच्छे होने चाहिए वरना कोई मजा नहीं आएगा. Obviously यार. हाँ. Then it should be good. Do you really think it's exciting? Of course. ठीक है. फिर मैं अपने डिटेल्स लेकर अपने बॉस को सबमिट करती हूँ. Just pray for me, okay? Yeah. Bye. Bye. See, I told you so. What? Forget it. एक fantastic new idea. साहब तो चले गए. चल मेरे कोलू के बैल, एक और दिन खत्म. सुधा. नहीं अभी तक तो सिर्फ 5 लेटर्स टू द एडिटर पढ़े मैंने. सर ने इतने सारे दिए हैं देखो. पर अब तो शाम होने को आई है. आई नो बट शेखर जी नई नई नौकरी है, काम का बुखार तो चढ़ेगा ही. सुधा जी मेरी बात मानिए, ये आदत मत डालिए वरना ये लोग 24 घंटे ही बिठा देंगे. ठीक कहा ना? शेखर तुम चलो, मुझे बहुत सारा काम बाकी है अभी. अरे मेरा काम कहाँ खत्म हुआ? मैं तो बस यूं ही आया था. एक काम करते हैं, दोनों काम खत्म करते हैं, शाम को साथ चलते हैं. ठीक है. ओके ओके. एक मिनट सुधा जी, आपका फोन है. मेरा? वहीं रुके, ट्रांसफर कर देता हूँ. ओके. पता नहीं कौन होगा. हेलो करण. हाय. आज अभी तो मैं हाँ अच्छा ठीक है. ओके बाय. बचवा तुम्हारा स्टाइल कुछ हमारी समझ में नहीं आया. बियर बार चलाना है ना ही, हम कहते हैं हमारे साथ काम करो तो वो भी नहीं. आखिर करना क्या चाहते हो? हैं? अभी जवान हो, हट्टा कट्टा हो, यह वक्त है, वक्त है अपना होल्ड बनाने का. मुझे ना अब तुम हो कि सोचने में वक्त खराब कर रहे हो. ज्यादा सोचो ना ही,
का जिंदगी भर चिरकुटे बने रहोगे? अरे कुछ सोचो, अपने खातिर सोचो, कुछ माल वाल कमाओ, माल गुरबक हो का? गोपाल भाई मुझे घर लौटना है। घर? घर? आप जानते हैं गोपाल भाई कि मैं, मेरी मजबूरी थी गोपाल भाई। ये मजबूरी? मजबूरी है सब कोई धंधा में ले आती है, कोई अपने शौक से नहीं आता है, बुझते हो ना? मुझे बस घर लौटना है गोपाल भाई, मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस घर लौटना है मुझे। तुम्हारा मतलब मेहनत और ईमानदारी का रोटी है, हाँ? इतना आसान नहीं है बचवा, इतना आसान नहीं है ये सब। आप अब्बास भाई से कह देंगे तो बात बन जाएगी गोपाल भाई। मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, घर में दो बहनें हैं, मुझे उनका भी तो सोचना है। और गोपाल भाई मैंने जब तक काम किया है बाहर में, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। ठीक, करेंगे करेंगे कुछ तुम्हारी खातिर, छुड़ाए देंगे तुमको इसमें से। तू जाना चाहते हो ना, वापस जाना चाहते हो ना? ठीक, वैसे ही हमारे धंधे के कानून के खिलाफ बात है, उका कहते हैं अंग्रेजी में वन वे ट्रैफिक। इसमें आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन बचवा तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारी बात कुछ और है। तुम हमको पसंद आए हो, तुमको छोटा भाई बुलाए हम, तुम्हारे लिए जरूरत पड़ा ना तो दुनिया का कौनो कानून खमा ही देंगे हम, बुझ गए ना? कुछ करेंगे, जाओ भाई। भाई पुलिस आ गई। बचो, भाग भाग। सारे नहीं भागे, एक आदमी पकड़ा गया, अरेस्ट किया।